हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी एक प्योर ईवी की जो व्हीकल आती है इनकी ई प्लूटो 7G मैक्स, जो कि बहुत ज़्यादा रेंज देती है, आज मैं इसे लेकर जाने वाला हूँ। आज मैं प्योर ईवी की शोरूम आया हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। मैं आज इस व्हीकल को लेकर जाऊँगा, इसका कंप्लीट रेंज चेंज करूँगा कि ये कितना रेंज देती है। कंपनी 150 से 200 की किलोमीटर की जो रेंज है कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मैं देखूंगा कि कितना इसकी रेंज है। मैं आप लोगों के सामने लाइव रेंज टेस्ट करने वाला हूं। ये व्हीकल आज मैं लेकर जाने वाला हूं, जो कि देख पा रहे हैं आप, ग्रे कलर है और ये कलर भी जो है पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज मैं इसे दिन भर राइड करूंगा, पूरा राइड करूंगा, लास्ट तक राइड करूंगा और देखूंगा कि कितनी रेंज हमें इसकी देखने को मिल रही है। सो आज की जो वीडियो है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक बार शोरूम एड्रेस समझा दूं। तो दोस्तों, ये जो शोरूम है नवीन मार्केट कवर्धा में है और जो रोड है वो रायपुर कवर्धा मेन हाईवे रोड है। एक बार दिखा दो यहाँ पे जो मेन हाईवे है कवर्धा वाला, रायपुर वाला, रायपुर कवर्धा जो मेन हाईवे रोड है, ये शोरूम जो आपको देखने को मिल रहा है बीच मेन नवीन मार्केट में, आपको ये प्योर ईवी का शोरूम देखने को मिलता है। मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई भी प्योर ईवी की व्हीकल आप खरीदना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा शोरूम एड्रेस हो गया और व्हीकल के बारे में थोड़ा मैंने आपको बता दिया। आज जो व्हीकल हम लेकर जाने वाले हुए हैं दोस्तों, ई प्लूटो 7G मैक्स आज इसका। सो आज दोस्तों हम इसे लेकर भी जाएंगे, इसका रेंज टेस्ट भी करेंगे और आपको इसका रिव्यू भी देने वाला हूँ। मैं खुद इसे राइड करूंगा, रियल आपको रेंज टेस्ट दिखाने वाला हूँ कि कितना हमें इसकी रेंज देखने को मिल रही है। सो आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ई प्लूटो 7G मैक्स का रिव्यू भी होने वाला है और रेंज टेस्ट भी होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस व्हीकल को यहाँ से लेकर जाते हैं। सो दोस्तों, अभी जो है हम इसे राइड में लेकर जाएंगे, इसका रेंज टेस्ट करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें अगर इसके प्राइस के बारे में, तो ये आपको एक्सोरूम प्राइस आती है 1,15,000 रुपये की आपको ये जो व्हीकल है दोस्तों एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। थोड़ा दोस्तों पहले आपको उसका फ्रंट लुक दिखा देता हूँ। मैं आपको फ्रंट लुक अगर आप देखें तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख पा रहे, इसमें आपको फुली LED जो लाइट है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ये इसके LED DRL लाइट और मेन लाइट में इस व्हीकल में आपको फुली LED लाइट मिलेगा। ये इसके टर्न सिंगल लैप है और यहाँ पे प्योर ईवी की जो बैचिंग, इनकी जो लोगो है उसकी आपको बैचिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको मैक्स की बैचिंग देखने को मिलेगी और इसमें आपको जो टर्न सिंगल लैप है वो आपको बल्ब देखने को मिलेंगे। एक चीज़ अच्छी है दोस्तों, इसमें आप लोगों को जो है डिस्क देखने को मिलता है। ये प्योर ईवी के खुद का इनका ब्रांड का डिस्क भी इन्होंने यूज़ किया है, तो डिस्क ब्रेक आता है तो ब्रेकिंग भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। और टायर साइज फ्रंट में आपको 190 के जो टायर साइज़ है वो आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। और सस्पेंशन आप देख पा रहे, वेरी प्रीमियम, काफ़ी अच्छे सस्पेंशन जो है कंपनी ने इसमें यूज़ किया है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कुछ चीज़ें हैं, जो कि मैं आपको राइड रिव्यू में भी बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं इसमें आपको 3.5 किलोवाट की जो बैटरी वो हमें देखने को मिलती है, 1.5 की जो पावर है आपको मोटर में देखने को मिलेगी एंड 2.2 किलोवाट की नॉमिनल जो पीक पावर है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। मतलब 1.5 नॉमिनल एंड 2.2 की जो है पीक पावर हमें इसमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें वो आपको मैं बता दूँ, उसके बाद हम राइड में चलेंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को जो है रिवर्स देखने को मिल जाता है। जी दोस्तों, रिवर्स इसमें मोड है, देखिए ये रिवर्स यहाँ पे आ रहा है। जब आप इसे दबाएंगे और अगर आप इसमें एक्सेलेटर मतलब लेंगे तो ये पीछे जाने लगी फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ये पीछे जा रही है। तो ये चीज़ जो है मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी, अब मैं यहाँ पे आगे जा सकता हूँ। और जो रिवर्स दिया है कंपनी ने, ये देखिए आपको इसको दबाना है, एक्सेलेटर लेना है, ये पीछे जाएगी। तो ये जो चीज़ है मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। और आपको बताओ दोस्तों, ई प्लूटो मैक्स में जो है हमें इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कंपनी ने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया है। उसके बाद आपको बता दूं दोस्तों, कुछ अच्छे फीचर हैं इसके, वो आप जान लीजिए। इसमें दोस्तों आप लोगों को हिल असिस्ट मिलता है, जैसे कि हम ऊंचाओं में चढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ऊंचाओं में चढ़ते चढ़ते मान लो कभी बैटरी लो हो गई या अचानक से व्हीकल बंद हो गई, तो ये व्हीकल क्या होगी, थोड़ा सा नीचे आएगी और लॉक हो जाएगी, वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस या गिरने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जैसा हिल असिस्ट मिल रहा है वैसा ही डाउन असिस्ट भी मिलता है। जब ये डाउन नीचे ढलान में जाएगी और कुछ बंद होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, बैटरी लो होता है, व्हीकल बंद होगी, तो थोड़ा सा नीचे जाके वो वहाँ पे लॉक हो जाएगी, मतलब वो ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, तो जिससे दोस्तों हमारे जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। एंड वही दोस्तों, एक बहुत अच्छा फीचर इन्होंने दिया है, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो व्हीकल है, मान लीजिए वो क्या हो गई,
पंचर हो गई, ठीक है। अब पंचर हो गई तो भाई हमें इसे ढकेल कर लेकर जाना है, जाहिर सी बात है। तो जब हम इसे ढकेलेंगे तो मुझे एक चीज़ फील हो रही थी कि ऐसा लग रहा है कि अपने आप आगे बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुझे फील हुआ, मतलब आपको भी फील होगा कि अपने आप ही आगे बढ़ जाएगी। मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ यहाँ से लेकर, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे चाबी बंद कर दी, व्हीकल बंद हो गई है, अब मैं इसे ढकेल रहा हूँ। हाँ, तो मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि अपने आप थोड़ा थोड़ा ये आगे जा रही है। मतलब दोस्तों इसमें ये होगा कि आपको जैसे मान लीजिए पास में कोई रिपेयर करने वाला नहीं मिलता है, पंचर बनाने वाला नहीं मिलता है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का भी जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है। तो ये था दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें। चलिए दोस्तों अब इसे राइड करते हैं और इसका रेंज टेस्ट करके देखते हैं कितना इसकी रेंज हमें मिल रही है। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इसे राइड करने के लिए। जी हाँ, मैं राइड करने के लिए इसे अब निकला हूँ और मैं देखूंगा कि कितनी इसकी रेंज टेस्ट, मतलब कितनी ये रेंज दे रही है। मैं फुल रेंज टेस्ट इसकी करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इनके ई प्लूटो जो मैक्स है इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है। उसके लिए कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐप निकालना पड़ेगा, जो ऐप का नेम है आप देख सकते हैं, ये ऐप का जो नेम है दोस्तों स्मार्ट BMS, ठीक है। ये ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, Smart BMS, ये Smart BMS जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप लोकल मॉनिटरिंग में जाएंगे, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग में जाने के बाद आपकी जो व्हीकल है उसका दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी नेम देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें ये बैटरी नेम देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इसमें बस इसे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सीरीज में जाएंगे, सीरीज में जाके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है ये बैटरी नेम इसका 1747 लास्ट में, इसे मैं क्लिक करूंगा, ये कनेक्ट हो जाएगा ऐप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हमें सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि बैटरी में अभी चार्ज कितना है और कितना वोल्टेज है, ये सारी चीज़ें मिलेगी। अभी आप देख पा रहे हैं ये 93.4% चार्ज है, देख पा रहे हैं आप 93.4% जो है ये चार्ज है बैटरी। अब हम इसे कोशिश करेंगे कि लगभग मैं मतलब इसे इतना चलाऊं कि 5% जब बैटरी बचेगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें इसकी कितनी रेंज मिली है। तो इतना कोशिश करूंगा कि इतने लंबे तक मैं इसे चलाता जाऊं ताकि रियल टेस्ट हमें पता चल सके कि क्या रियल टेस्ट है। और मैं पिलियन के साथ में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिंगल हूँ, मैं पिलियन के साथ में हूँ, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं अभी जो ओडोमीटर है वो 11 किलोमीटर जो है क्लॉक ऑलरेडी चल चुका है। आप देख पा रहे हैं ये 11 किलोमीटर ओडोमीटर अभी इसमें चला है। अब 11 किलोमीटर के बाद जो चलाऊंगा मैं इसे चलाऊंगा, और आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये बैटरी बार है जो कि अभी फिलहाल इसमें फुल देखने को मिल रहा है। और आपको दिखा दूं दोस्तों यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिलते हैं, 1 और 2, 1, 2, 3 मोड्स आपको मिलेंगे। तो मैं फुल पावर में चलाऊंगा, जी हाँ मैं इसे फुल पावर में चलाकर देखूंगा, कम पावर में इसे मैं नहीं चलाऊंगा, फुल पावर में मैं चलाकर देखूंगा कि कैसे जो है हमें इसकी मतलब रेंज देखने को मिल रही है फुल पावर में। क्योंकि जाहिर सी बात है यार मैं हाईवे में खींचूंगा ज़्यादा, फिलहाल मैं सिटी में नहीं चला रहा हूँ, तो फुल पावर में जो है मैं राइड करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इस व्हीकल को चलाते हैं और इसके मज़े लेते हैं। और मुझे तो भाई चलाने में अभी से बहुत अच्छी लगने लगी है ये, और जो कि मैंने नोटिस की थोड़ा अभी मैंने इसे चलाया है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है ये। बट फिर भी आपको चलते चलते और भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि आज हमारा पूरा दिन इसी के साथ में है। मुझे तो लगता है इसे चलाते चलाते मुझे शाम होने वाली है, देखते हैं, ठीक है चलो चलते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, अगर आप पी डाल दे तो पार्किंग में रहेगी तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, पी से हटा दीजिए तो ये पार्किंग से हट जाएगी, उसके बाद जो आप इसे राइड कर सकते हैं। देखिए एक्सीलेटर मैंने दिया तो ये चलने लगी, और शुरू में मैंने एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ इसमें कि भाई मैं जैसे ही थोड़ा सा एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो मुझे ना थोड़ी पावर फील हो रही है। देखिए मतलब देखिए ये देखिए पिकअप देखिए आप इसका, पिलियन के साथ हूँ मैं फिर भी, तो आप देख पा रहे हैं इसके जो पिकअप है दोस्तों वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो पिकअप नहीं है, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो पिकअप नहीं होता, बट ऐसा नहीं है भाई, आप चला कर देखो राइड करके देखो तो आपको समझ में आएगा पिकअप है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं दोस्तों कंपनी ने इस व्हीकल में 3.5 किलोवाट की जो बैटरी है वो यूज़ की है, जी हाँ 3.5 किलोवाट की। प्लस आपको क्लियर कर दूं कंपनी ने इसमें जो मोटर यूज़ किया है जो कि 1.5 मोटर की 1.5 की पावर आपको देखने को मिलेगी, एंड 2.2 का जो नॉमिनल इसमें पिक पावर हमें देखने को मिलता है। जी हाँ 2.2 का पिक पावर है और 1.5 की जो पावर है वो आपको इसमें देखने को मिल जाती है, यानी कि जो पावर है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है इस व्हीकल के हिसाब से। दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिव्यू किया है क्योंकि भाई आपको पता है हमारा काम ही रिव्यू करना और उसको एक्चुअल में जानना कि वो व्हीकल कैसी है और आप तक पहुंचाना सही बात है कि वो चीज़ कैसी है। मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस की, इसका जो स्पीडोमीटर विजिबिलिटी है ना भाई वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा धूप है अभी, देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा सन है, बट उसके बाद भी दोस्तों इसका जो स्पीडोमीटर है वो काफ़ी अच्छा विजिबल दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब ज़्यादा धूप पड़ेगी तो भाई विजिबल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। विजिबिलिटी आप देख पा रहे हैं आपको इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है।
और मीटर का जो साइज है वो भी आपको इसमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। हो सके अगर नाइट हो जाएगी तो एक बार मैं आपको इसका जो नाइट लाइट टेस्ट है वो भी आपको दिखाऊंगा कि लाइट टेस्ट हमें इसकी कैसी देखने को मिल जाती है। इसकी ये पास स्विच है, देख पा रहे हैं, ये हॉर्न है, ये इसकी टर्न सिंगल लैप है, यहाँ पे आपको मिलते हैं लाइट की ऑन ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ऑन करने के लिए और एक आपको पी यानी कि पार्किंग का बटन, और यहाँ पे आपको मोड के लिए स्विच दिए हैं 1 और 2, 3 मोड में आप इसे चला सकते हैं। एक बार मैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मोड में टॉप स्पीड भी आपको दिखाऊंगा कि कितनी टॉप स्पीड हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके कंफर्ट के बारे में तो आप देख पा रहे हैं मैं इजीली अपने पैर जो है आराम से रखा हुआ हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेरे साथ एक बंदा बैठा है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो भी इजीली आराम से जो है पीछे बैठा हुआ है और हम काफी कंफर्टेबल इसमें राइड कर रहे हैं। मतलब अगर आप चाहें तो इसे अगर आपको देखिए जो कंपनी इसकी रेंज बोलती है, कंपनी बोलती है कि ये 150 से 200 किलोमीटर के आसपास की आपको रेंज देगी फुल चार्ज में। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो ये रेंज है इस रेंज के हिसाब से अगर आपको थोड़ा हाईवे में भी चलना है, दूर भी चलना है, 100 किलोमीटर अगर आपको आना जाना करना है तो उस हिसाब के लिए ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ज़्यादा जो लोग होते हैं वो भाई सिटी के लिए ज़्यादा उसे ध्यान देते हैं, मेरे हिसाब से सिटी के लिए ही ज़्यादा अच्छी होती है, बट फिर भी दोस्तों ये जो व्हीकल है इसे आप चाहें तो इसमें लॉन्ग ड्राइव में भी थोड़ा इसे लेकर जा सकते हैं। दोस्तों इसके आपको मैं कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें एक स्पेशल फीचर है, इसमें आपको जो मिलता है हील असिस्ट। देखिए हील असिस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जब हम व्हीकल को ऊपर चढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जैसे हम इसे चढ़ा रहे हैं और मान लीजिए ये बंद हो जाती है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमसे गाड़ी जो है बंद हो जाती है तो उसमें हमें प्रॉब्लम होने लगती है कि गाड़ी कहीं पीछे ना आने लगे, कहीं पीछे ना मतलब ये ढूंढने लगे, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन है इसका कि ये ना अपने आप लॉक हो जाएगी। जी हाँ, जब ये हिल में होगी और हिल में अगर ये बंद होती है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है, बैटरी लो होता है, व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम आए, तो ये थोड़ी सी मतलब पीछे आएगी, उसके बाद ये लॉक हो जाएगी। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज को लेकर जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा ध्यान दिया, जो कि अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं मिलता। दूसरी चीज हिल असिस्ट है, साथ में आपको डाउन असिस्ट भी मिलेगा। मतलब वैसे ही जैसे हम डाउन में जा रहे हैं, जैसे हम ढलान में हैं और ढलान में जाते जाते मान लीजिए इन केस गाड़ी हमारी बंद हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है, रुक जाता है, तो या फिर मान लीजिए ब्रेक नहीं लगेंगे या फिर ब्रेक नहीं काम कर रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो व्हीकल है उसमें ऐसा ऐसे डिजाइन किया है, इसमें ऐसा सेंसर लगाया है मोटर में कंपनी ने कि ये अपने आप जो है थोड़ा सा जाएगी और बंद हो जाएगी, जी थोड़ा सा ढलान में ढुलकेगी उसके बाद ये बंद हो जाएगी। तो ये भी जो चीज है जो कंपनी ने काफी अच्छी तरीके से इसमें ध्यान दिया है, तो ये जो फीचर है मुझे इसके काफी अच्छे लगे। ऊपर से दोस्तों मुझे ये चीज देखने को मिली कि जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी फाइनली कंपनी ने दे दिया, तो वो एक अच्छा फीचर हमें देखने को मिला। उसके बाद आपको बता दूं एक और बहुत अच्छी चीज कि इसमें आपको पार्किंग असिस्ट मिलता है। सो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि इसमें आप लोगों को जो है पार्किंग असिस्ट भी देखने को मिलता है। पार्किंग असिस्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम कभी रोड में चल रहे हैं और रोड में चलते चलते ऑब्वियसली होता है हमारी गाड़ी में पंचर हो जाता है या फिर टायर से हवा निकल जाए, दूर दूर तक भाई कोई पेट्रोल पंप ना हो, हमें हवा दलाना है या फिर पंचर बनाना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें कंपनी ने पार्किंग असिस्ट दिया हुआ है। जब आप इसे खींचेंगे, मतलब जब आप इसे अपनी ताकत से इसे ढुलकाएंगे अपने पैरों से, तो कंपनी ने इसे ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये खुद ब खुद फ्री हो जाएगी। फ्री मतलब का ये हो जाएगा कि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ये अपने आप ढुलकने लगेगी। जी हाँ, अपने आप ही आगे बढ़ने लगेगी, मतलब धीरे धीरे आपके कंट्रोल में रहेगी, लेकिन बस ये है कि आपको लेकर बस इसको चलना है, आपको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप धीरे धीरे चलने लगेगी। तो ये भी एक जो फीचर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों हर इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर हर मतलब व्हीकल में होना ही चाहिए यार, बात इलेक्ट्रिक हो पेट्रोल की हो सब में होना चाहिए, लेकिन प्योर वाले ने इस चीज़ को ध्यान दिया, तो ये चीज़ जो है मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। सो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं मैंने आपसे बातें की और अभी आपको मैंने दिखाया था कि ये 11 किलोमीटर 10 से 11 किलोमीटर कुछ चली हुई थी, अभी ये 14 किलोमीटर हो गई है। अब दोस्तों मैं इसे राइड करूँगा काफ़ी अच्छे से, दूर तक मैं इसे राइड करूँगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर में मिलूँगा और मैं लगभग 30 या 35 किलोमीटर के बाद आपको मिलूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या बैटरी कंडीशन है, मुझे चलाने में कैसी लगी और क्या परसेंटेज इसकी बची हुई है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसे थोड़ा राइड करने के बाद। सो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं ये 33 किलोमीटर कंटिन्यू हमने चलाया है, अभी ये 33 किलोमीटर हो गई है, हमने इसे 10 किलोमीटर जब उसका ओडोमीटर था तब से हमने इसकी राइड स्टार्ट की थी, मतलब अभी दोस्तों हमने इसे ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर के आसपास का राइड कर रखा है। मैंने आपको बैटरी परसेंटेज दिखाया था दोस्तों, उस टाइम 93.4% चार्ज था, अब हम देखते हैं कि इसकी जो चार्ज है वो कितनी बची है, ऐप में कितनी शो हो रही है हम एक बार देख लेते हैं।
तो अभी ये आपका ये जो मैंने आपको ऐप शुरू में बता दिया कि आप, हाँ अभी आप देख पा रहे हैं 77.1% चार्ज दिखा रहा है। हालांकि ये 77.1% तो नहीं दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा ज़्यादा दिखाना चाहिए, बट फिर भी देखते हैं हम इसे राइड करके। हालांकि हमने ऐसे भी 20 किलोमीटर कंटिन्यू राइड किया और मैंने दोस्तों इसका फुल मतलब पावर में चलाया, फुल पावर में जैसे खींच कर चलाया। ऐसा नहीं है कि मैंने कम में राइड किया, मैंने जितना एक्सीलेटर खींच मतलब जितनी इसकी पावर है उतना मैंने इसे जो है खींच के चलाया। दोस्तों आपको बता दूं अभी हम जा रहे हैं चिल्पी घाटी, आप देख पा रहे हैं हम चिल्पी घाटी क्रॉस कर रहे हैं। अब जो चिल्पी घाटी है भाई आप सर्च करना, यहाँ पे जो है हमें काफ़ी ऊपर सराहना पड़ता है, मतलब पूरे घाट है यहाँ पे और घाट में हम इसे चढ़ा रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की दोस्तों, आप देख पा रहे हैं आप लोगों के सामने इसे मैं चढ़ा रहा हूँ लाइव रेंज, ऊपर से दोस्तों मैं किसी के साथ में हूँ यानी कि पिलियन के साथ में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ। बट फिर भी दोस्तों एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, व्हीकल को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हालांकि थोड़ी सी टॉप स्पीड कम हो रही है, जैसे नॉर्मल टॉप स्पीड 60-65 है, बट जब ज्यादा ऊंचाऊ आ रहा है तब इसकी जो टॉप स्पीड है थोड़ी 55-50 के आसपास की जा रही है। बट ये नहीं है कि चढ़ाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जी हां दोस्तों बिल्कुल आसानी से चढ़ रही है और यहां पे भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें काफी अच्छी मिल रही है। बाकी मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है उन्हें ऊपर चढ़ाने में काफी प्रॉब्लम होती है, चाहे घाट हो उन जगहों पे चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैंने ये बात बहुत ज्यादा सुनी हुई है। बट इसमें जो कंपनी ने मोटर यूज किया है, जैसे मैंने आपको बताया 1.5 की नॉमिनल एंड 2.2 का पिक पावर है, तो यहां पे दोस्तों इस व्हीकल को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसलिए ऊपर चढ़ जा रही है। तो ये भी जो चीज है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी कि भाई हां ऊपर चढ़ाऊं में भी इसमें काफी अच्छा जो पावर है कंपनी ने इसमें दिया हुआ है, मोटर की ताकत इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं जो घाट है वो कितना ज़्यादा चढ़ाऊ है, आप खुद देख पा रहे हैं, एक तो चढ़ाऊ है, ऊपर से भाई ऐसा रोड है कि हमें बार बार गाड़ी को मोड़ना पड़ रहा है, थोड़ा रिस्की होता है इस एरिए में, लेकिन रिस्की हमारे लिए ज़्यादा नहीं हो रहा। कारण ये है कि व्हीकल जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, काफ़ी स्टेबल है। दूसरी चीज़ जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, एंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, इसके जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप इजीली इसे चढ़ा लें। तो ये भी जो चीज है मुझे इसकी काफी अच्छी लगी। बाकी आप लोगों के सामने है रोड, भाई आपको वीडियो में इतना समझ में नहीं आएगा बट चिल्पी घाटी जो है काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है, पूरा पहाड़ में हमें चढ़ना पड़ता है दूसरी तरफ जाने के लिए। जैसे चिल्पी घाटी आता है उसके बाद वहां पे एमपी बॉर्डर शुरू हो जाता है यानी कि एमपी लग जाता है। तो आप देख ही पा रहे दोस्तों यहाँ पे भी जो है विदाउट गियर, मतलब विवेक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, विदाउट गियर के बाद भी कितनी अच्छी तरीके से स्मूथली हम इसमें ऊपर जा रहे हैं, वो भी पिलियन के साथ में। सो अभी आप दोस्तों देख पा रहे हैं ओडोमीटर में 74 किलोमीटर जो है मतलब ओडोमीटर क्लॉक कर चुका है, जब मैं इसे लेकर निकला था तब ये 10 किलोमीटर के आसपास की चली हुई थी। यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अभी फिलहाल हमने इसे 64 यानी कि 64 किलोमीटर के आसपास का राइड किया है, वो भी हमने इसे घाट में चढ़ाया है, घाट के ऊपर से हमने इसे लेकर गया है पिलियन के साथ में, तो भी इसकी जो कोई भी पावर ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला। जनरली मैंने एक चीज़ नोटिस किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जब बैटरी लो होती है तो बाइक की जो परफॉर्मेंस होती है, व्हीकल की जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, बट इस व्हीकल के साथ में दोस्तों मैंने ऐसी कोई भी चीज नोटिस नहीं की है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो हमें अच्छी देखने को मिल ही रही है, प्लस जो बैटरी रेंज है यानी कि कंपनी ने जो इसका माइलेज बोला है, रेंज कहते हैं हम जिसे या फिर माइलेज कह लीजिए, वो आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बाकी आप देख पा रहे दोस्तों काफी अच्छा नेचर है ये, नेचुरल मतलब नेचर जगह में व्हीकल चलाने में काफी मजा आता है। और पीओरीवी से यही कहना चाहूंगा कि इसमें एक चीज मैंने थोड़ी सी नोटिस की है कि जब थोड़े गड्ढे आते हैं तो थोड़ा सा मुझे ना जर्क महसूस होता है, तो आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और एक चीज मैंने थोड़ी सी नोटिस की है इसमें कि जो एक्सीलेटर है वो एकदम तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करता, हालांकि काफी सारे मोपेड व्हीकल में इस चीज का इशू है, ऐसा नहीं कि ओला एथर में नहीं है, उनमें भी है पर उनमें थोड़ा सा कम है, इसमें मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा, बस उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। बाकी ओवरऑल जो व्हीकल है दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्म किया है और मैं सोच रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में पीओरीवी मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आई थिंक एक जो है मुझे यहाँ पे अपनी कलेक्शन में ऐड करना चाहिए, सिटी के लिए काफी अच्छी व्हीकल हमें ये देखने को मिली है। सो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसे ऑलमोस्ट 103 किलोमीटर जो है कंटिन्यू इसे हमने राइड किया है। अब 103 किलोमीटर हमने राइड करने के बाद भी इसमें दोस्तों आपको देख पा रहे चार बार इसे इसमें आपको अभी भी दिख रहे हैं। एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को इनके स्मार्ट ऐप में यानी कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में दिखा देता हूँ कि भाई जो है इसमें कितना मतलब कितना जो एक्चुअल में परसेंटेज में कितना चार्ज दिखा रहा है वो हम देख लेते हैं। तो ये दोस्तों इनका ऐप खुल गया, इसमें आपको ऐप में जाना है, सीरीज़ में जाइए, सीरीज़ में जाकर आप अपनी जो व्हीकल है उसका नाम आ जाएगा, ये बैटरी में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे से क्लिक कीजिए और ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद दोस्तों ये बताने लगेगा कि अभी इसमें कितना परसेंट जो है चार्ज हमें देखने को मिल रहा है।
तो देखते हैं अभी ये कितना बता रहा है। अभी ये जो है पेयर हो रहा है, पेयर होने के बाद जो हमें पता चलेगा कि इसमें हमें कितना चार्ज जो है देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अगर अभी हम ऐप में देखें तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है 24.1 यानी कि 24% चार्ज हमें यहाँ पे शो हो रहा है इनके ऐप में। और यहाँ पे फिलहाल अभी भी हमें 4 बार देखने को मिल रहा है, जी हाँ 4 बार आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अभी हमें 24% जो चार्ज अभी भी ऐप में शो हो रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बग भी हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से 50% चार्ज दिखाना चाहिए। बट ठीक है, फिर भी हम इसे अभी और ज़्यादा खींचेंगे और देखेंगे कि भाई हमें और कितना ज़्यादा जो है हमें इसकी रेंज देखने को मिल रही है। सो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसे 150 किलोमीटर जो है राइड कर चुका है। देख पा रहे हैं ये 150 किलोमीटर मतलब राइड हो चुकी है। और अगर दोस्तों मैं अभी ऐप में देखूं तो आप देख पा रहे हैं इसमें 20.7% जो चार्ज है फिलहाल अभी भी दिखा रहा है। 20.7% चार्ज हमें देखने को मिल रहा है और ऐसे हमने इसे जो है 150 किलोमीटर ऑलरेडी इसे हमने राइड कर लिया है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी अभी इसकी रेंज मिली हमें, अभी ये बहुत चलेगी। मुझे लगता है अभी ये 25 से 30 किलोमीटर इजिली चलने वाली है। तो चलिए हम इसे भी राइड करते हैं और मैं आपको मिलूंगा आप सीधे 5% में जब बैटरी बची होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना हमें इसका रेंज मिला है। सो अभी दोस्तों हमने इसे देख पा रहे 189 मतलब 190 किलोमीटर चला चुका है। और अभी अगर मैं इनके ऐप में देखूँ तो आप देख पा रहे हैं 13.7% की बैटरी इसकी दिखा रही है, 13.7। और अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 बार दिखा रहा है, तो आई थिंक ये एकदम एक्यूरेट है। इसमें आप ऐप में देख पा रहे हैं इसमें आपको 13.7 जो है परसेंट दिखा रहा है। तो अभी दोस्तों मैं इसे थोड़ा और चलाऊंगा, 13.7 है तो मैं 5% तक लाऊंगा। 5% के बाद हम देखेंगे कि हमें जो है इसमें कितना रेंज मिला है। तो भाई बने रहे वीडियो में, चलिए इसे थोड़ा और राइड करते हैं। सो गाइज अब ये जो व्हीकल की बैटरी है ऑलमोस्ट लास्ट आ चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने इसे कितना राइड किया और कितनी हमें रेंज मिली है। अब आप ये देख रहे हैं 201 किलोमीटर चल चुकी है, आप देख रहे हैं 201 किलोमीटर पूरी चल चुकी है। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं अब बैटरी बची है 5.3%, यानी कि दोस्तों आपको इसकी जो रेंज मिल रही है, हालांकि आपको पता है कि हमने जब राइड स्टार्ट की थी तब हमने देखा था इनके ऐप में कुछ 93% दिखा रहा था, 93% या 94% के आसपास का चार्ज था तब हम इसको लेके निकले थे। और आप देख पा रहे 201 किलोमीटर चल चुकी है और अभी हमें 5% जो है बैटरी देखने को मिल रही है। यानी कि दोस्तों हमें इसकी जो रेंज मिल रही है कंपनी जो क्लेम कर रही है 150 से 200 किलोमीटर के आसपास की, तो पूरी 200 किलोमीटर हमें इसकी रेंज देखने को मिल रही है। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं वीडियो शुरू किए थे दिन में, ये शाम का सूरज है, देख पा रहे शाम हो चुकी है इसे राइड करते करते और हमने इसका जो पूरा रेंज तो ख़त्म नहीं कर पाया अभी भी। तो फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये व्हीकल के साथ में आप जा सकते हैं जो कि एक्सरूम प्राइस आती है, आपको पता है 1,15,000 की एक्सरूम प्राइस आती है। दोस्तों बिल्कुल जाइए, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, सस्पेंशन भी बहुत अच्छी है, हमने हाईवे में राइड किया और ट्रस्टेबल व्हीकल है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।